दीदी दीदी कहाँ गई दीदी दीदी इधर देखते हैं। दीदी गुगी मेरे शूज अरे यहाँ रहे काका ये अंदर रख दीजिए। अरे अरे जानू हाँ डार्लिंग आप कहाँ जा रहे हैं? मॉर्निंग वॉक। आप जा रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, अब मैं करूंगी किससे टॉक? हाय हाय गुगी मार डाला मार डाला। सच बताओ गुगी, चाय पीने के बाद जितनी फ्रेशनेस नहीं आती ना, उतनी फ्रेशनेस तुम्हारी ये शायरी सुनने के बाद आती है। आप भी ना। एक काम करो, मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ, तब तक तुम क्या करोगी? अरे ये है ना, आप टीवी देखो, मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। ओके सारे दोस्तों को शायरी सुनाऊंगा, आप चले जाएंगे मॉर्निंग वॉक तो मैं किससे करूंगी टॉक? टीवी चल क्यों नहीं रहा है? मर गया था ये वो वाले शूज पहन रखे रिमोट दीदी के हाथ में है, लगता कोई दुर्घटना घटने वाली है। नहीं 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 चाहे कुछ भी हो जाए आपके हाथ के वो लाल वाला बटन नहीं दबना चाहिए। दब गया। जानू ये सब्जियां क्यों लगा के रखी है और कब करके आए आप मॉर्निंग वॉक? आपको देख के तो हो गई हूँ मैं शौक शौक शौक। मार डाला गुगी मार डाला। बुतरीना पता करो उस भूतेड़िया का लोकेशन। ये कौन सी जगह है? भैया को पता होगा। ए, भैया मत बोलो हमें। कमरू। अबे मालिक, ये जगह देखने से तो मनोरी जैसा लगता है, इधर से पास में ही है। हाँ? इसका मतलब वो भूतेड़िया हमारी मुट्ठी में होगा। मैं उसे अपना गुलाम बनाकर प्रीतम प्यारे को खत्म कर दूंगा। ये ले लो। लिंक काहे ले लाए हो? अरे ये भूतड़िया के डर से सारा स्टाफ भाग गया। ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस से गेस्ट एकदम ड्रीम के माफिक है, तो ये ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस को ताला लगाने का टाइम आ गया ना रे बाबा। ई का बकवास कर रहा चुलबुल? हम होटल में ताला नहीं लगने दूंगा, हम अभी बुलाता हूँ प्रीतम प्यारे को। लगा फोन, लगा अपने सिस्टम से फोन लगा। ऐसा सिस्टम है इसका बाबा बाबा। हेलो प्रीतम स्पीकिंग और मैं भी स्पीकिंग। अब आया पकड़ में। हेलो हाँ सुनिए सुनिए सर, हम ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस का मैनेजर बोल रहा हूँ। एक भेड़िया ने यहाँ आतंक मचा रखा है। आप जल्दी से आ जाइए। अरे मैनेजर बोल रहा है, दिमाग खा गया यार ये, हाथ धो के पीछे पड़ा है। धोए तो है ना। सॉरी मैं गुजराती में बात करता हूँ। તમે જે નંબરને ફોન કરવા માંગો છો આ સંપર્ક ક્ષેત્રની બહુ બહાર છે, તો તમે એ ફોન મૂકી દો અને સૂઈ જાઓ। સોરી વેસે ગુજરાતી લેંગ્વેજ કિતની સ્વીટ હે ના, બહુ સ્વીટ છે। ક્યા હુઆ રે બાબા? હા વો ભૂત પકડને વાલે આ રહે કે નહીં? અરે
ससुरा कितना दिन से उल्लू बना रहा है, हाथ में ही नहीं आ रहा है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उसको टेढ़ा करना पड़ता है। आपसे नहीं होगा, मैं करता हूं, मैं इनको पकड़ता हूं, आप फोन लगा के देना। अरे इधर लाओ ना बाबा। मेरा हो गया, वही होगा। हेलो प्रीतम स्पीकिंग। हाँ मैं ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस का मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूँ। चुलबुल तन्नू किन्नी वारी क्या है, जेड़े नंबर से तुसी डायल कर रहे हो वो नंबर हाले व्यस्त है गई, कृपया इधर फोन ना करो। तू बात कर। ये बताने के लिए फोन किया ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस की तरफ से आपके लिए 3 रातें 4 दिन का पैकेज एकदम मुफ्त है ना रे बाबा। खाना पीना भी एकदम मुफ्त है ना रे बाबा। और तारीख भी एकदम मुफ्त, 5 तारीख का बुकिंग आपको करना का है, बोलो जल्दी फटाफट। एक मिनट। अरे ये तो कोई और है, ये तो हमें फ्री पैकेज दे रहा है, पूछ रहा है कि होटल की बुकिंग कब की करूं। इसको बोल दे आज शाम तक आ रहे हैं। हेलो सुनिए ना, देखिए हम आज शाम को आ रहे हैं, बुकिंग कर दीजिए। बाबा रे बाबा यार, रुची सगळी लाइन व्यस्त आहे, थोड़ा थोड़ा वेळानं वर्षभर प्रयत्न करत राहणार रे बाबा। इसने तो हमें ही बेवकूफ बना दिया, कहता है कोई पैकेज नहीं है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। ऐसे कौन करता है यार, और नहीं तो क्या, फोन क्या काट दिया। बाबा टिट फॉर टैट, आपके इंसल्ट का मैंने बदला लिया, आप मुझे थैंक यू बोलने के बजाय डांट रहे। अबे एकदम बुड़बक है चुलबुल, बुड़बक। भूतेड़िया को भगाने के लिए हमको उनका जरूरत है। ला फोन दे, हम अभी ट्राई करते हैं। फोन ये लो, लगाओ अपने सिस्टम से। हेलो टीकू किला वाला स्पीकिंग। हेलो सर सर सर, हम ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस का मैनेजर गुलाब सिंह बोल रहा हूँ सर। सर यहाँ एक भूतेड़िया ने आतंक मचा रखा है, वो आधा भूत और आधा भेड़िया है सर। बहुत ही खतरनाक है सर। सर उसकी वजह से हमारे होटल में ताला लगने का नौबत आ गया है। सर पूरा मनोरी गांव के लोग उससे परेशान है। प्लीज सर, प्लीज प्रीतम एपीआर को भेज के हमको बचाइए सर, मैं आपके फीस का डबल फीस दूंगा। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, प्रीतम और प्यारे दोनों आएंगे और आज ही के आज आएंगे और उस भूतेड़िया का बैंड बजाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीतम प्यारे। अरे जीजा जी, आपको कैसे पता चला हम आपके पास ही आ रहे थे। नया केस आया है, भूतेड़िया को मारना है। भूतेड़िया, ये तो किसी जानवर का नाम लगता है, और हम तो भूतों को मारते हैं, जानवर को नहीं मारते। और जानवरों को मारना पाप है, ऐसा पाप हम नहीं कर सकते जीजा जी। नहीं नहीं बेटा, यू गॉट इट रॉन्ग। भूतेड़िया जो है वो भूत और भेड़िए का कॉम्बिनेशन है, भूतड़िया। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है बेटा, और डोंट वरी यू विल बी सक्सेसफुल। हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी को कहता हूँ सारा सामान तैयार करें। भूतेड़िया अरे उस भूतेड़िया को मारते मरते हथेड़िया तो हमारी बाहर आएंगी ना। अरे भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे इतनी रात को? मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, जंगली जानवरों की फोटो खींचता हूँ, वही कर रहा था। ओके
अरे भाई साहब चले जाइए यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। क्यों? आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात को यहाँ भुतेड़िया आता है और अगले 7 दिनों तक यहाँ रहता है और साहब उसके सामने जो कोई आता है वो उसे काट लेता है और फिर वो इंसान भी भुतेड़िया बन जाता है। चले जाओ साहब, चले जाओ। भुतेड़िया भुतेड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या बोले? यहाँ आ गया हूँ तो उसकी भी फोटो खींच के जाऊंगा मैं। मरोगे साहब, मरोगे। जो अपना काम करो। मरोगे। शराब डिस्टर्ब कर दिया। ठंड लग रही है बहुत, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है दीदी। लगता है 104 तक बुखार है। हाँ, मुझे लगता है 115 तक होगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। डोंट वरी मेरे भाई, मैं तुम लोगों को डॉक्टर्स के पास लेके जाऊंगी। ठीक है? क्या सारा सामान ले लिया ना मेरे? यस। अरे मेरे मिट्टी के शेर, जागो, चलो जाना नहीं है। जानू, मेरे भाई को है बहुत तेज बुखार, वो भुतेड़िया को मारने को नहीं है तैयार। मार डाला गुग्गी, मार डाला। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। जानू प्लीज आज इनको आराम करने दीजिए, ये कल चले जाएंगे। कल नहीं, 1 महीने बाद। मुझे लगता है 1 महीने तक हम लोग को बुखार रहेगा। और ये जी, मुझे लगता है मेरा बुखार तो 2-3 महीने तक जाएगा ही नहीं। देखिए कैसे कांप रहा हूँ। भाई मामला बड़ा सीरियस है, फोन करना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ डॉक्टर खोटे, हाँ टिकू बोल रहा हूँ, टिकू किला वाला। भाई मेरे सालों को जरा बुखार आ गया है। भाई एक मिनट पूछता हूँ, भाई कितना बुखार है, टेम्परेचर क्या है? मुझे 150 से 200। और मेरा कह दीजिए 200 से 300 होगा। एक भी बराबर नहीं सकते। ठीक है, अब डॉक्टर साहब मामला बहुत ही सीरियस है। एक को 150 से 200 बुखार है, दूसरे को 200 से 300 बुखार है। क्या करूँ, आप नहीं आ सकते? ओहो, तो क्या करेंगे? अच्छा, फोन पे प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरी जरा लिख लेना प्लीज। यस सर। कहिए डॉक्टर साहब, आ दोनों को उल्टा लटका के लाल मिर्ची का धुआं करूं नीचे। और इंजेक्शन देने घोड़े के। अच्छा, कितने? 5 और पेट में देने? हो जाएगा, हो जाएगा। 5 इंजेक्शन घोड़े वाले। जी सर, हो जाएगा इंतजाम। हाँ, और बर्फ की लादी पे 3-4 घंटे सुलाना पड़ेगा बगैर कपड़े। ओके, फैंटास्टिक। अब क्या होगा? हाँ, क्या 2 मिनट में इलाज हो जाएगा? क्या बात करते, बुखार घुल। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक, ओके 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 ओके। उतर जाएगा? नहीं, उतर गया। I'm fine. और मेरा तो 1 मिनट में ही उतर गया था, मैं तो इसके उतरने का इंतजार कर रहा था। जी जी, ये देखो। अरे वाह, कितनी फास्ट रिकवरी है ना। इधर आ, इधर आओ, इधर आओ बेटा। अरे जी जी, आ ये हरी गिर जाएगा बेटा, संभाल। अच्छा अच्छा अच्छा, जानू चेक कर रहा हूँ, डार्लिंग चेक कर रहा हूँ इनका बुखार उतरा कि नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, उतर गया, उतर गया, उतर गया। तुम्हारा बुखार अच्छी तरह से उतारना जानता हूँ, तुम्हारे सारे नाटक जानता हूँ, इसलिए मैंने भी डॉक्टर को फोन करने का नाटक किया था। अब चुपचाप जाओ और तैयारी करो उस भूतेड़िए को मारने की, समझे? Well, thank you. Sorry. ये मामा
हो जाएगा बुकिंग? हाँ हाँ, डेट बता दीजिएगा। जी जी, ठीक ठीक। हाय, I'm प्रीतम। हाय, और मैं हूँ प्यारी। नाम तो सुना ही होगा। ये मेरी सेक्रेटरी है मैरी। हेलो मैरी जी। और ये मेरी मेरी है। सॉरी, गलती से दो बार बोला। ये मेरी दोस्त मेरी है। प्रीतम प्यारे। हाँ। मेरी। हम भूत सताए हमें बुलाए कंपनी से आए हैं। भूत तो हमें सता ही रहे बबुआ जी, आप लोग भी कम नहीं सताए हमें फोन पे। अरे वो तो हम ऐसे ही फोन पे मस्ती कर रहे थे। एक्चुअली हम जब खतरनाक काम के लिए जाते हैं तो थोड़ी मस्ती करते हैं। हंसते हंसते। एक्सक्यूज मी, हम राहुल खन्ना, मैंने फोन पे कमरा बुक किया था। हाँ हाँ। आपका कमरा रेडी है भैया जी? बट एक्चुअली अब किंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। ओके, हाय, हम प्रीतम। मैं हूँ प्यारे, नाम तो सुना ही होगा। और ये हमारे साथ है। एक्चुअली हम भूत भगाने का काम करते हैं। और आप? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बिजनेस। वाओ। यहाँ पे मैं भूतेड़िया की तस्वीर खींचने आया। तो तस्वीर? अच्छा, तो तस्वीर खींचते हैं ये तस्वीरें? हमें खुद बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, लेकिन आपको डर नहीं लगता भूतेड़िया की फोटो खींचते हुए? डर? और मुझे? कोई भूत कोई भूतेड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं खुद आप लोगों पे भरोसा करता हूँ। आप लोग हैं ना यहाँ पे, फिर डर किस बात का? नहीं, मिस्टर प्रीतम, मिस्टर प्यारे, आप लोगों के बारे में बहुत सुना है। अच्छे अच्छे भूतों का पानी निकाल दिया है आप लोगों ने। वेल, थैंक यू। सुना मैरी जी, मेरे चर्चे हर जुबान पर है, मैं पूरे इंडिया में फेमस। हाँ मेरी जी, ये तो बस इंडिया में फेमस हुआ है, मैं तो वर्ल्ड के हर कोने कोने में, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, हर जगह फेमस हो गया। ओके ओके, अब चलें? हाँ, चलते। ओ गुलाब सर! अरे यार शांति रे बाबा, शांति! हे, ये तो बोल सकता है? ए बाबा, अरे इतना चिल्लाने का नहीं रे, मेरा हार्ट फेल हो जाता ना, एकदम नाजुक नाजुक चिल्लाने कर रही है। चुनून है? अरे चुलबुल है हमारा असिस्टेंट। ता? अरे चुलबुल, इका हाल बना रखा है, है? अरे वो रुई, रुक एक मिनट, चाबी ले अगर मैडम को 305 में और दोनों साहब को 306 में और जो राहुल साहब है ना उनको 307 में छोड़ाओ, जाओ। प्रीतम जी, प्यारे जी, रात को तैयार रहिएगा जंगल में जाके भूतेड़िया को पकड़ने के लिए। हाँ तो हम तो तैयार रहेंगे, हमें कौन सा डर लगता है? हाँ, हम उस भूतेड़िया को ऐसा मारेंगे कि इंसान को खाने लायक नहीं रहेगा। शाबाश रे बाबा, चलो तुमको तुम्हारी जगह दिखाते हैं। मतलब रहने की जगह दिखाते रे बाबा। बैग ले लीजिए प्लीज। सामान सामान। चलो। हाँ तो आपको बिजनेस क्या था? वाई हाँ ड्राइव में चलो बाबा। हाँ जा रहे, आप रुको ना। हाँ
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.